अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने एक जॉब्स की वेबसाइट रजिस्टर्ड की थी पिछले वीडियो के अंदर। आज इंशाल्लाह उस वेबसाइट रजिस्टर्ड जो हमने की है jobsupdateinfo.com, उसके ऊपर हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कम्प्लीट करने जाएंगे। ये वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी जॉब्स की वेबसाइट बनाएं और लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग से कमा सकते हैं। वर्डप्रेस जीरो टू हीरो के नाम से ये ऑनलाइन कोर्स का आगाज़ किया गया है। आज इंशाल्लाह आपके होस्टिंग अकाउंट पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें क्या क्या सेटिंग्स है, कन्फिग्रेशन क्या क्या है, उसका आसान तरीका जो है वो आज सीखेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें। साथ ही घंटी के बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अगर वर्डप्रेस के हवाले से, वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से कोई क्यूरी है, कोई ब्लॉगिंग के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको कोई मुश्किल दरपेश है, तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ओके दोस्तों, ये स्मार्ट टेक एक्सपर्ट जो चैनल है पाकिस्तान का नंबर वन यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल, उसकी बुनियादी रीज़न है कि जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो तमाम बुनियादी पॉइंट्स होते हैं, बुनियादी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग, उर्दू की ब्लॉगिंग है आपके पास, ठीक है। मैंने एक पूरी सीरीज़ टुडे स्मार्ट न्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट रजिस्टर्ड की थी, जैसे अभी मैंने शुरू की है ये जॉब्स वाली, इसी तरीके से टुडे स्मार्ट न्यूज़ की अगर मैंने शुरू की थी, उसके अंदर ही मैंने यही पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया था कि सबसे पहले मैंने डोमेन रजिस्टर्ड की, होस्टिंग ली, इंस्टॉल प्रोसेस वर्डप्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। इसी तरीके से ये पासपोर्ट के हवाले से, नादरा, एक्साइज, पुलिस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं, मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स हैं, वर्डप्रेस के ऑलरेडी वीडियोस कोर्सेज मौजूद हैं जो कि मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इस किस्म की सारी चीज़ें मौजूद हैं, व्हाट्सएप मोबाइल के टिप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 81 के करीब मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशंस अगर आप इसकी वीडियोस को देखते हैं और प्लस मेरी मोबाइल ऐप्स डॉट पी के की वेबसाइट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस मिलेंगे जिनमें आप जिनके ट्यूटोरियल टेक्सचुअल फॉर्मेट में मौजूद होंगे, आप ये इनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पोस्ट मौजूद हैं जो कि स्टेप बाई स्टेप जो प्रोसेस होता है उसके मुतालिक सारी डिटेल यहाँ पर बताई गई है, आप इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमने वेबसाइट रजिस्टर की थी jobsupdateinfo.com। अगर आप अभी खोलते हैं इसको तो इस वक्त कोई भी पेज इसके ऊपर नहीं है। हम क्या करेंगे, जॉब्स अपडेट्स, ठीक है, updateinfo.com/cpanel, ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पर टॉप बार में jobsupdateinfo.com/cpanel। ये हमें सी पैनल के ऊपर लेके जाएगा, जो हमारा सी पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो हमारे पास मौजूद होगा, ईमेल के ऊपर आपके पास आ चुका होगा। अगर हम चेक करें अपनी जीमेल की आईडी जिसके थ्रू हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया था, ये लिखा हुआ है सी पैनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ वो अपना यूज़र नेम देखेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड लिखने के बाद इसको अपडेट कर लेंगे। ये लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, ये हमारा jobsupdateinfo.com, इसका ये सी पैनल का यूज़र आ गया। ये हमारे पास यहाँ जो चीज़ें मौजूद थी वो सारी की सारी यहाँ आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ अगर हम सर्वर की इन्फॉर्मेशन पे देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या सर्वर की इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी वो आप देख सकते हैं। जो होस्टिंग की इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास मौजूद है, ये होस्टिंग प्लान है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर PHP कौन सा है, MySQL कौन सा है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मेन वेब जो होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है ये साइड पे नज़र आ रही होगी यहाँ पे, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो ऑप्शंस हैं जिसमें ईमेल के ऑप्शंस हैं, बैकअप्स लेने की हैं, बिलिंग सपोर्ट्स की है, फाइल्स की ऑप्शंस हैं, डेटाबेसेस है, डोमेन्स हैं, मैट्रिक्सेस हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह आ जाएंगे, सिक्योरिटी के हवाले से है, SSL है, SSH है, IP ब्लॉकर वगैरह आप करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपके पास होगा, एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ें हैं ये प्रेफरेंसेस है, और बाकी सॉफ्टवेयर ऐप्स इंस्टॉलर यहाँ मौजूद है उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ इसके थ्रू हम करेंगे वर्डप्रेस, जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा हमारा, ये सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करें
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, आपके मुख्तलिफ फोल्डर्स आ जाते हैं इस तरीके से, HTTPS और HTTP, हम HTTPS करेंगे साथ WWW भी करेंगे और जॉब्स अपडेट्स वाले पे करेंगे, क्योंकि अभी सब डोमेन हमारे पास नहीं है, सब फोल्डर नहीं करेंगे, इसके रूट के ऊपर करेंगे, कौन सा वर्जन करना है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसका नाम क्या होगा साइट का, ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन इस मौके पे भी आप चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन, जो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटर का वो लिखेंगे, ठीक है, पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पर अपना, इसको अगर आप इस तरीके से हाइड कर देते हैं, आप इस तरीके से इसको यहाँ अपना पासवर्ड पूरा टाइप करें, कॉम्प्लेक्स बनाएं उसको, जिस वक्त ये अब स्ट्रांग आ गया, 78% ऑलमोस्ट आ गया, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें, ठीक है, जिससे आप रिकवरी कर सकेंगे बाद में, ताकि आपको अगर कोई ईमेल भूल जाता है तो आप उसको रिकवरी कर सकें। इस तरीके से हम ये अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई थीम आपने इंस्टॉल करना है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम ये वाला है, अगर कोई स्पेसिफिक थीम आपने करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, हम लेटर ऑन स्टेज के ऊपर थीम इंस्टॉल करेंगे और सर्च करेंगे। और यहाँ आप ईमेल एड्रेस इसके ऊपर ये अपना ईमेल एड्रेस दे दें, ताकि जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तो उसकी डिटेल जो है ना आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आ जाएगी। हम इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो ये स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट, ये देखें चेकिंग दी डाटा, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सारा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करूँगा तो मेरे पास ये वेबसाइट ओपन होगी। पहले ये इस फॉर्मेट में ओपन हो रही थी, ब्लैंक फॉर्मेट में, अब ये इस फॉर्मेट में हो रही है। इसको भी अगर हम फ्रेश करते हैं इस तरीके से तो ये भी उसी फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाएगा, ये देखें चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरीके से ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है वो यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट हो गया, यहाँ इसको क्लिक करेंगे आप तो WP एडमिन का जो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है वो यहाँ खुल गया। ठीक है, ये डैशबोर्ड है इसका और इसके बाकी बेसिक फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक बहुत सिंपल सा जो है, बिल्कुल बगैर किसी कॉन्फ़िगरेशन के, बगैर किसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन के, आपने बआसानी वर्डप्रेस जो है ना वो इंस्टॉल कर लिया। अगर आप इसकी उस पर जाएंगे, लेटेस्ट वर्जन 6.0.2 वर्जन इस वक्त इंस्टॉल है, बाकी इंफॉर्मेशन इसकी यहाँ पर मौजूद है। इसकी अगर मज़ीद आप सेटिंग्स करना चाहेंगे तो ये जर्नल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मज़ीद सेटिंग, जो हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, टैगलाइन चेंज करना चाह रहे हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप बआसानी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आज वर्डप्रेस का की इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देखना चाह रहे हैं तो mobileapps.pk की वेबसाइट और जो दूसरी वेबसाइट है todaysmartnews.com उसकी वेबसाइट, उसके ऊपर भी बहुत सारे ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।